वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। सो लेट्स कम ऑन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? सो आंसर इज सी 61, जो कि हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था हमारा 1989 में। ठीक है, लेट्स मूव ऑन सेकेंड। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है? आंसर इज 6। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के शासनादेश पर नहीं बनाया गया? चुनाव आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, सो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर इज 500, मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर इज सी फातिमा बीबी। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, जब उसके पास कम सांसद हो। तो इसका आंसर होगा बी, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा क्या है? मतलब जब राष्ट्रपति अपना कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है तो उसकी मैक्सिमम कितने समय तक उसको कानून में लाया माना जा सकता है? तो ऑप्शन है 6 माह, 7.5 माह, 9 माह, 12 माह। तो इसका आंसर होगा ए 6 माह। और ये अध्यादेश जारी करने की जो आर्टिकल है, ये किस कौन से आर्टिकल के अंदर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये है अपना 123 आर्टिकल। नेक्स्ट, सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल हुई? आंसर इज बी 1967। और जो ये सिंधी भाषा है ये पंजाब प्रांत में बोली जाती है। नेक्स्ट, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। आंसर इज ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कार्यकारी में शामिल है? आंसर इज बोथ ए एंड बी 1 और 2, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है? इजी है, ये देता है डिप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, विधान परिषद, संसद का उच्च सत्र, नगर निगम, इनमें से कौन स्थायी है? ठीक है, इनमें से कौन स्थायी है? तो इसमें विधान परिषद और संसद का उच्च सत्र, ये दोनों स्थायी हैं, बोथ ए एंड बी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं? सो आंसर इज फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ था, ये अपना हुआ था 1789 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ? ये हुआ था 1952। आंसर इज डी। और जो राज्यसभा का हुआ था वो अपना 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को पहला सत्र हुआ राज्यसभा का। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? सो कमेंट कीजिएगा आप। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू
एंड हैव अ नाइस डे।